أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. मैं आपका होस्ट वी आर चैनल के जानिब से मोहम्मद हुमैर. आज की लेक्चर, आज की वीडियो के हवाले से हमने बात करनी है. आज की वीडियो हमारी इंग्लिश 101 के हवाले से कि 101 के फर्स्ट पेपर किसके हमने करने चाहिए हमें. जी हाँ दोस्तों, उससे पहले जो मेरे चैनल पर नहीं है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. चलें दोस्तों, हम अपने कमेंट शुरू करते हैं. इंग्लिश 101 में आपका टाइम ज़्यादा नहीं रहता, तो इंग्लिश 101 के फर्स्ट पेपर हमें किसे करने चाहिए. जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इंग्लिश 101 के या डिफरेंट बुकों के आपने किसके फर्स्ट पेपर करने हैं, तो आप उनको मैंने बताया था मॉइस और सिंधु के करने हैं. तो इंग्लिश 101 के मैं आज मॉइस के फर्स्ट पेपर लेके आया हूँ. अगर आपको फर्स्ट पेपर चाहिए तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इन सारे फर्स्ट पेपरों को. अच्छा, मूमर सवाल ये होता है कि मॉइस के ही फर्स्ट पेपर हमने क्यों करने हैं. जी हाँ दोस्तों, आपका सवाल बिल्कुल ज़बरदस्त है कि हम मॉइस के फर्स्ट पेपर क्यों करने हैं. मॉइस के फर्स्ट पेपर क्यों ना कि इसके हर क्वेश्चंस के अंदर एक मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशन दी जाती है. यानी किसने एक क्वेश्चन लिखा, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द टेबल इन द टेक्स्ट. इसमें लिखा, इन आर टेक्स्ट टेबल कंटेंस कॉलम्स रो इन विच ईच कॉलम एंड रो और यूनिक वैल्यू एंड प्रॉपर्टीज थ्रू विच द डाटा कैन बी हैंडल ईजिली टू मैनेज एंड अपडेट ईजिली सॉर्टिंग ईजिली टू एक्सेस रेडली. यानी इसके एक भी क्वेश्चन में कोई तकरीबन ये नहीं होता कि मार्क्स कटने की कोई हमारी गुंजाइश होती है अगर आप इंग्लिश सही है तो इसकी यानी इस ये क्वेश्चन कम्प्लीट लिखता है और अपनी एक्सप्लेनेशन भी सही देता है. मैं इसको कोई प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन ये पेपर इसके काफ़ी अच्छे होते हैं, इस वजह से मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ. इसके पेपर आपको नहीं मिलते तो आपको मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको ये पेपर मिल जाएंगे. यानी आप देख सकते हैं कि एक सवाल लिखा हुआ है, इसने मेन आइडिया उसके बारे में इसने यहाँ डिटेल दे दी है. इसी तरह उस ये हैं भी 7 पेजेस सिर्फ ओनली, तो आप करते हैं तकरीबन इसमें 50% या 60% तक पेपर आ जाएगा. तकरीबन कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन आ सकता है और ये बात कंफर्म भी हो सकती है. तो इसका नेक्स्ट पेपर हमारे पास ये आते हैं, मैं इसको फिट कर लेता हूँ. इसमें भी किसी ने क्वेश्चन दिए हुए, 3 पेपर हैं हमारे पास, तो इसमें भी इनके तकरीबन 7 पेजेस हैं. तो इस पेजेस के अंदर भी क्वेश्चंस डिफरेंट हैं और इसमें भी मुकम्मल एक्सप्लेनेशन है. तो आप अपने जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इन डाउनलोड करने का, तो वो भी कर लें. अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने फर्स्ट पेपर के बारे में बताया था और थोड़ी टिप्स दी थी आपको, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं ताकि आपको फर्स्ट पेपरों का थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए. और आप इसको लिंक इनका डिस्क्रिप्शन जैसे है, और इस पेपर को आप देखें. अगर आप कमेंट करते हैं कि पेपर वाकई अच्छे हैं, तो आप प्लीज़ इन पेपरों को भी वॉच करें और मेरी वीडियो को भी लाइक करें. और इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको हर आसान तरीका आपके साथ शेयर मैं ज़रूर करूँगा. और आप देखते हैं, इसका एक पेपर ये है कि MCQ जिसमें 125 पेज हैं और मिड टर्म का है 2010 से लेकर 2016 तक. तो इसमें यानी इसने एक एक क्विज़ को हल किया है, जो क्विज़ पहल नहीं हुआ उसने इसे अनसॉल्व कर दिया, यानी इसको सॉल्व नहीं किया. यानी कोई गलत आंसर हमें नहीं दिया, ना ही कोई गलत जवाब दिया है हमें. तो बेस्ट यही है कि आप इसी फर्स्ट पेपर करें, क्यों ना कि इसने हर एक सवाल का अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और इसको भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है. तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने ना मत भूलना. और अगर आपको कोई मिस्टेक हो तो कमेंट्स बार में आप अपनी राय दें, और कमेंट्स बार में आके अपनी जो आपको कोई प्रॉब्लम है वो डिस्कस करें. अगर आपने HTML भी सीखना है तो उसके हवाले से मुझे कमेंट्स में आके बताएं, ताकि मैं HTML के हवाले से वीडियोस क्रिएट करूँ. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. और ये सारे फर्स्ट पेपरों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से अपने फर्स्ट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.